स्टार महोदय, हम स्वाधीनता के स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश के लिए संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। संविधान को सर्वांगीण व सर्वसम्मत बनाने का भरपूर प्रयत्न किया। सर्वविदित तथ्य है कि सदियों से परतंत्र रहने के कारण भारत के पास ऐसा कोई लिखित संविधान नहीं था जो संविधान निर्माताओं का मार्गदर्शन करता। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित कुछ ग्रंथ जैसे चाणक्य नीति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र आदि थे, परंतु वर्तमान विशाल भारत के लिए कदाचित वह अप्रासंगिक हो गए थे। उस समय समिति के समक्ष इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, सोवियत संघ आदि के संविधान थे। अब प्रश्न यह था कि भारत के संविधान के लिए किस प्रणाली को अपनाया जाए। ब्रिटेन का संसदीय संविधान अथवा अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी आदि के राष्ट्रपति प्रणाली। अब तक भारत ब्रिटेन के संसदीय संविधान के अंतर्गत ही प्रशासित होता रहा था, अतः यह प्रणाली कुछ सुपरिचित और सुगम से लगी। फलतः उसे स्थगित करने का मन नहीं हुआ। ब्रिटेन का संविधान कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, यह रीति रिवाजों, मान्यताओं और न्यायालयों में घोषित परिणामों का संग्रह मात्र है। दूसरे, इसमें राजतंत्र का प्रावधान है। वहां का राजा भले के प्रतीकात्मक ही हो, परंतु है तो राजा। भारत तो लोकतंत्र है और इसमें राजा जैसी व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः उसे पूर्ण रूपेण नहीं स्वीकारा गया। दूसरा विकल्प राष्ट्रपति प्रणाली को अपनाने का था। इस प्रणाली को अमेरिका, फ्रांस, रूस सहित विश्व के 84 देशों ने अपनाया हुआ है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति का चुनाव होता है और वही मंत्रिमंडल का गठन करता है। उसी प्रकार सरकार चलाने का दायित्व होता है, अतः सारी शक्तियां व जिम्मेदारियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इन दोनों प्रचलित प्रणालियों की अपनी अपनी विशेषताएं व त्रुटियां हैं। संविधान निर्माताओं को लगा कि राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति तानाशाह हो सकता है। संसदीय प्रणाली में समायोजन की राजनीति संभव हो सकती है, अतः दोनों प्रचलित प्रणालियों की अच्छी अच्छी बातें लेकर भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। राष्ट्रपति का पद शामिल किया गया, परंतु ब्रिटेन के राजा की तरह नाम मात्र का सर्वोच्च अलंकारिक पद बन गया। संसदीय प्रणाली की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ली गई, जिसमें राज्य का दायित्व प्रधानमंत्री पर है। सारा काम राष्ट्रपति के नाम पर संपन्न होता है। संविधान सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, हमारे सामने राष्ट्रपति प्रणाली और संसदीय प्रणाली दोनों विकल्प हैं और दोनों लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ही आते हैं। फिर भी दोनों में मूलभूत अंतर है। संसदीय प्रणाली ज़्यादा उत्तरदायी व्यवस्था है, जबकि राष्ट्रपति प्रणाली में स्थायित्व अधिक होता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने स्थायित्व के बजाय उत्तरदायित्व पर ज़्यादा जोर दिया। फिर भी सावधानी के तौर पर
भारत में राष्ट्रपति और संसदीय प्रणालियों का सम्मिश्रण किया गया है। महोदय, संसदीय प्रणाली में सरकार का उत्तरदायित्व सीधे नागरिकों के प्रति न होकर उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति होता है। यह व्यवस्था भारत के लिए उपयुक्त प्रतीत हुई। इससे भिन्न ब्रिटेन में सरकार के किसी निर्णय के लिए संबंधित मंत्री या पूरा मंत्रिमंडल जिम्मेदार होता है। इसे कैबिनेट व्यवस्था भी कहते हैं। ब्रिटेन में किसी सरकारी आदेश पर सीधे मंत्री हस्ताक्षर करता है, जबकि भारत में मंत्री केवल विभागीय मिसिल पर हस्ताक्षर करते हैं और आदेश सचिव की हस्ताक्षर से जारी होते हैं। पिछले लगभग 58 वर्षों तक देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ही रही है और अधिकांश समय तक वही सत्तारूढ़ रही। बीच बीच में कुछ समय अन्य राजनीतिक दल उभर आए और अल्पकाल तक ही सत्तारूढ़ रहे, क्योंकि कांग्रेस लंबे समय तक अकेली सत्ता सुख भोगती रही। उसे संविधान में किसी प्रकार का संशोधन व बदलाव करने की आवश्यकता अनुभव नहीं हुई। वैसे भी संविधान बनाने के बाद भी भारत में व्यवस्था के प्रश्न पर लगातार विचार विमर्श होते रहे। क्या संसदीय प्रणाली हमारी इच्छाओं व आकांक्षाओं के अनुरूप सिद्ध हुई है? नेहरू जी ने कहा था कि यदि यह संविधान लोगों के मूलभूत आवश्यकताओं रोटी कपड़ा व मकान की समस्या हल न कर पाया तो वह एक कागज का टुकड़ा मात्र है। गांधी जी ने कहा था कि हमारे लिए स्वाधीनता और संविधान का मतलब है कि हर गांव को पीने का पानी दिया जाए, परंतु आज भी पानी की समस्या क्या गांव क्या शहर सर्वत्र विकट बनी है। ऐसे में अगर संविधान समीक्षा की बात उठ रही है तो आश्चर्य नहीं जो कुछ देश में घटित हो रहा है और जिस अनिश्चितता के दौर से देश गुजर रहा है इसकी कल्पना कदाचित हमारी संविधान के निर्माताओं को नहीं रही होगी। कुछ वर्षों से देश में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। देश से कांग्रेस का राजनीतिक वर्चस्व समाप्त होता दिख रहा है। छोटे छोटे बड़े कई राजनीतिक दल उभर कर आए हैं। फलतः एक ही दल के सरकार बनाने की स्थिति बीती बात हो गई है। अब मिली जुली सरकार का दौर आ गया है। क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दलों पर हावी हो गए हैं। वह उन छोटे क्षेत्रीय दलों पर निर्भर हो गए हैं, चाहे वह कांग्रेस हो अथवा भारतीय जनता पार्टी या कोई अन्य दल। उन्हें सत्तारूढ़ होने के लिए क्षेत्रीय दलों की सीढ़ी की आवश्यकता पड़ती है। कई राजनीतिक दल एक दो सदस्यों वाले तक होते हैं, परंतु सरकार बनाने में उसका महत्व है। संयुक्त सरकारें अपने निजी बहुमत के अभाव में कोई उल्लेखनीय ठोस कार्य नहीं कर पाती और उनका अधिकांश समय अपनी सरकार बनाने के लिए लग जाता है। फलतः ऐसी सरकारें अल्पकालीन होती हैं और देश की बार बार चुनाव का खर्च वहन करना पड़ता है, जो भारत जैसे विकासशील देश के लिए भारी पड़ता है। देश की जनता का भी चुनाव प्रणाली से विश्वास उठ गया है।